हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जुड़े हैं एक और नई वीडियो के बारे में जानने के लिए, तो जो कि है मैं राजस्थान से लेकर आई हूँ आज जॉब, जो कि होम गार्ड की वैकेंसीज है। तो जिन लोगों का सपना टूट गया कि हाँ हमने स्टडी नहीं करी एट्थ के बाद, तो उन लोगों के लिए ड्रीम जॉब होगी। जो कि आठवीं पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निकाली गई है ये होम गार्ड की वैकेंसी, राजस्थान में निकाली है। और जो कुल वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पे वो है 2500। तो एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है यहाँ पे, आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो इस जॉब को पूरा अच्छे से अप्लाई करके। और एंड तक मेरी वीडियो तक में जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल समझ में आ सके। तो मैं हूँ संजना और मैं आप तक पूरी वीडियो में जो डिटेल्स हैं इसकी वो लेकर आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं होम गार्ड की वैकेंसी की, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली गई है और जिसका अपडेट ऑनलाइन अपडेट आ चुका है। और साथ ही तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो जॉब है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है जिसे इंडिया बेसिस पर आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो भी किसी भी स्टेट से है वो अप्लाई कर सकते हैं इस राजस्थान की पोस्ट के लिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसकी पूरी डिटेल की। तो आपके सामने जो मैं पेश करने जा रही हूँ एक तरह का जॉब अलर्ट है, तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको और चीजों के बारे में पता चले। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो की। तो होम गार्ड वैकेंसी जो कि 2020 में आई है, तो ये पोस्ट जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। हालांकि इस पोस्ट पे कुछ जो है बवाल भी चल रहा था कुछ टाइम से, क्योंकि होमगार्ड संगठन थे वो इसके विरोध में थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान गवर्नमेंट ने इस जॉब को आगे लेकर आई और 2500 पोस्ट यहाँ पे उन्होंने निकाली हैं। और लेकिन इसको आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो डेट थी इसके आने की, इस अपडेट के आने की, वो 5 मार्च 2020 थी। तो अब जो इसकी डेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि आप कब अप्लाई कर सकते हो और कब आप की लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। तो यहाँ पे तो हम पहले फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरल और बैकवर्ड क्लास के लिए 200 रुपए हैं, वहीं पर SC ST EWC और MBC कैंडिडेट के लिए 125 रुपए। तो जो राजस्थान के लोग हैं या फिर जो भी पूरे इंडिया के लोग हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 200 रुपए रहेगी, वही बैकवर्ड क्लास के लिए भी 200 रुपए है। साथ ही SC ST MBC के लिए 175 और OBC के लिए भी 200 रहेगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पेमेंट मोड की। तो आप यूज कर सकते हो ई मित्रा और ऑनलाइन आप इसको भर करके भेज सकते हो। आगे भरने का प्रोसेस मैंने आपको बताया ही था, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब आप अप्लाई करोगे तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप पेमेंट करोगे, तीसरा स्टेप ये होगा कि आप पेमेंट की स्लिप लोगे, उसके बाद आप अप्लाई करोगे ताकि आपके पास वो स्लिप रहे और उसके बाद आप उसको डन कर दोगे ताकि आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सपने टूट चुके होते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में क्या करें, क्योंकि एक चीज होती है कि 10th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो आराम से अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने 8वीं पास कर रखी है उनके लिए एक काफ़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं कि किसी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ गया। तो उनके लिए यहाँ पे एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो जो भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, आप उनको इस जॉब के बारे में बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि वो इसको अप्लाई करें ताकि वो भी कुछ बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में और एज लिमिट के बारे में। डिटेल में डेट्स आ जाएंगे और एज लिमिट आ जाएगी। तो स्टार्टिंग डेट जो है जब आप अप्लाई कर सकते हो तो है वो 7 अप्रैल 2020। वहीं मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो 6 मई 2020 है। तो ध्यान से देखिएगा कि 7 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट जो है वो 6 मई है। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम यहाँ पे 18 इयर्स दे रखी है और मैक्सिमम 35 इयर्स,
तो जो 85 इयर्स से 35 इयर्स के जो बीच के, मतलब जिनकी एज ग्रुप बीच में आती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एज लिमिट पे ऐसा कोई रूल नहीं दे रखा। और रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, और बाकी आप इसके नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8 पास कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत आपके दोस्तों का सपना टूटा होगा, तो आप उनको बताओ इस जॉब के बारे में, ताकि वो आगे बढ़ सके और इस जॉब को अप्लाई करके वो उनका सुनहरा सपना कि वो पुलिस में जाना चाहते थे, वो उनका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जनरल के लिए मिनिमम हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 152, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिया जाता है महिलाओं को और मेल कैंडिडेट्स के लिए जब वो अप्लाई करते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूँ चेस्ट की, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंशन में 86 है और विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। और वहीं वेट की बात करूँ तो 47.5 kg। और यहाँ पे एक जिला दिया हुआ है सारिया, यानी कि जो बरान डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो राजस्थान ने जो पोस्ट निकाली है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक डिस्ट्रिक्ट ने एक मेल के लिए हाइट बताई है, फीमेल के लिए हाइट वेट बताया है यहाँ पे, तो उसी की बात करते हैं। तो जिले पे आए हैं हम, तो यहाँ पे एक वैकेंसी टेबल दे रखा है। जब आप इसके नोटिफिकेशन पे जाओगे तो मैं कुछ जिले बताती हूँ आपको। तो जिलों की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि जिलेवार पदों की जो संख्या है वो किस जिले में कितनी पदों पे है। जैसे कि कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ, कुछ जगह भी बता दूंगी, जैसे कि मैं बताई जाने वाली थी। तो अलवर जिले में 292 पोस्ट निकाली गई है, वही यहाँ पे 8 परीक्षा केंद्र दे रखे हैं। वही बाड़मेर में शहर में आपको यहाँ पे 20 पद दिए गए हैं जिले में, और 9 परीक्षण केंद्र दिए गए हैं। वही गंगानगर में इस जिले में 58 पोस्ट हैं आपकी, और साथ ही जो परीक्षा केंद्र हैं वो 11 हैं। बात करें इसके नोटिफिकेशन को लेकर के, तो आप इसके नोटिफिकेशन पे जा करके बाकी भी पोस्ट देख सकते हैं, किसमें कितनी निकाली गई हैं, कितने परीक्षा केंद्र हैं। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर जिले में कुछ ना कुछ निकाला गया है। लेकिन सबसे यूनिक है बांद्रा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको चेस्ट और वो सब बताया गया। तो मेल की यहाँ पे चेस्ट बता रखी है, सॉरी हाइट होनी चाहिए उसकी 160 सेंटीमीटर, वही फीमेल की 145 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो 79 × 74, तो विदाउट एक्सपेंशन 74। वही बात करें वेट की तो 43 kg होना चाहिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वैकेंसी डिटेल की। तो पोस्ट आप जानते ही हैं, तो आप फुल नोटिफिकेशन जो है इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि आप जो SSO ID है आपकी, उसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हो। तो आवेदन करने के लिए आपको SSO.rajasthan.co.in पे जाना होगा, वहां पे जा करके आपको अप्लाई कर सकते हो आराम से। और साथ ही जो हम आप तक पोस्ट पहुंचाते हैं, तो हमारा मकसद गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आने का यह होता है कि हम सही से आपको सही चीज बता सके। और जो लोग पास कर जाएंगे, जो 2500 कैंडिडेट होंगे, उनको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि पहले उनका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उनका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे जो है आपके साथ 50 टेस्ट में जो पास कर जाएंगे उनके साथ 57 दिन दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान सरकार यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है उनके प्रशिक्षण के लिए। तो आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो। एडमिट कार्ड की आप चिंता मत कीजिए, उसकी जानकारी अभी नोटिफिकेशन में नहीं आई है, जब आएगी तो हम आप तक वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों वैसे तो मुझे पता है शायद मेरी वीडियो से आप तक मदद पहुंच रही होगी, आपको पूरी वीडियो डिटेल में समझ में तो आ ही रही होगी, क्योंकि हमारा काम है आप तक वो वीडियोस लेकर आना जो आपको हम पूरी डिटेल में बता सकें और जो कि जेन्युइन हो।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरी होम गार्ड की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जिनका ड्रीम टूटा है आप उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका एक ड्रीम जॉब मिल जाए, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकें जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बेल आइकन इसलिए भी दबाइएगा क्योंकि आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मिलती रहे और कोई जॉब आपसे मिस ना हो सके, ताकि आप अपने दोस्तों को भी फोर्स कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता चल सके न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में और कोई वैकेंसी उनसे मिस ना हो पाए अप्लाई करने के लिए।